बीजेपी नेता जयप्रदा ने आजम खान पर एक बार फिर से हमला बोला है। जयप्रदा ने मंच पर आजम खान के रोने को दिखावा करार दिया। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार में आजम खान ने रामपुर की जनता पर अत्याचार किया है। आपको बता दें कि आजम खान के सांसद बनने के बाद रामपुर विधानसभा सीट खाली हुई। 21 अक्टूबर को रामपुर समेत 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इतने सालों से उन्होंने जो जुल्म गरीब लोगों के ऊपर, उनके गुर्बत के ऊपर जो काम किया है और उनके ऊपर जो जुल्म किया है, उस आंसुओं का श्राप है। एक एक औरत, बूढ़ी माँ ये आंसू बहा के कह रही है कि हमारे घर पर आधी रात में घुस कर आले हसन और आजम खान साहब के हुकूमत चलने का टाइम, उन्होंने घर पे घुसकर एक एक बच्चे को बाहर उठा उठा के फेंक दिया है। तो वो माँ झूठ नहीं बोली। आजम साहब मंच पर आंसू बहाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। आप अखबार में इतने बड़े हेडलाइंस बनाते हैं कि आजम साहब 4 बार मंच पर आंसू बहाए हैं। हमने 10 साल आंसू बहाते कहा कि महिलाओं को सम्मान दो, बहन को सम्मान दो, और हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो हम 10 साल से आंसू बहा के कह रहे हैं, तो आपको ये आंसू दिखाई नहीं दे रहा है?